बाबू और मौसी हैं, सब लोग थे। मौसी अलग रूम में सोई थी, बोले कि आप जाइए वहाँ आराम से और हम सोएंगे, हमारा तबियत सही। अभी कल गोरखपुरिया भौजी कही है कि विष्णु एक बड़ा गेम खेल रहा जो आकांक्षा के साथ हुआ था, उसी गेम के साथ इसके साथ होने वाला। वीडियो देखे अभी कल का उनका, तो शायद वो अपने घर पर थे जो वीडियो माध्यम से। अभी जब मालती आई थी कि आई तुम्हारा मुलाकात उससे? नहीं, बिल्कुल हमारी मुलाकात नहीं थी, हम अपने घर पर थे। गांव के लोग हैं, ये बताइए कैसे आपको जानकारी हुई यहाँ पर चर्चा हो रहा है? और क्या जानकारी मिली, क्यों लगाई तो कुछ है यहाँ पे? और गांव के लोग हैं, चाचा आपको उम्र काफी अधिक बा, जानकारी क्या मिलल है यहाँ? जानकारी तो हमें कुछ नहीं मिले, हमारे घर चौरिया है, सुनली है, और भाई बस ये जानकारी हम जानकारी। तो आपको बता दूं यहाँ पे गांव लोग, गांव वाले आए हुए हैं, मालती के साथ इस तरह घटना हुई है, क्या घटना हुई? अभी तो पूरी घटना की सच्चाई पुलिस ही बताएगी, जब पूरी तरीके से जांच होगा क्या वास्तव हुआ था मालती के साथ, कैसे इतना बड़ा कदम उठाई गया या उसके साथ किया गया, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। यहाँ देख सकते हैं पूरे गांव वाले यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे क्योंकि मालती एक छोटा चेहरा नहीं है, बड़ी चेहरा थी यूट्यूब पे, और इन लोगों का विवाद आज करीब 15-20 दिन से चल रहा था, लेकिन इस विवाद के बाद इतना बड़ा इसमें हो गया, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना कैसे हो गया। अर्जुन और विष्णु के बीच में मालती, जो अभी कल हम लोग एक खबर बनाए थे, गोरखपुरिया भौजी का बयान लिए थे, उसमें उसने कहा था कहीं अब मालती के साथ जो आकांक्षा दुबे के साथ जो हुआ था कहीं वही ना हो जाए। और देखिए आज यहाँ पे मालती आज इस दुनिया में नहीं है, अभी लोगों को विश्वास नहीं, और हम लोग खुद ही नहीं विश्वास हो रहा है कि इस प्रकार का कैसे हो गया मालती के साथ। देखिए और क्या इसमें अपडेट आता है, सब कुछ मिलेगा। संतोष चौहान, सच बात लाइव। चुप एकदम शांत हो जाओ, पहले मोबाइल करो, खराब हो जाएगा तुम्हारा, जानती हूँ। चुप हो जाओ पहले, चुप हो जाओ। यहाँ पर दोस्तों गोरखपुरिया भौजी आए हैं, जो कि भैया सब लोगों के साथ कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा रो रही है। मालती का हत्या कर दिया गया है, चौहान अपने साथ लोगों को मिला करके, अर्जुन वर्मा ये सब नौटंकी करके और उसकी हत्या किए है। मालती अपने ससुराल कब गई थी? मालती अतरिक को यहाँ से निकली है रात के लिए, और रात में वो लेकर के गया है। कल हमारी बात हुई, बिल्कुल सब कुछ ठीक था, फिर शाम को फिर बात हुआ ठीक था। बहू से बोली कि मैं सवेरे फोन करूंगा या फोन कर लेना, मैं ठीक हूँ। और
लक्ष्मण मेरा ख्याल है कि ये 3 बजे सुनाई आ रहा स्टूडियो से आया है और उसी वक्त ने ये उसकी हत्या किया है गला दाब के। रात में आपसे बात हुई थी, रात में दस बजे की बात हुई थी? नहीं, हमसे नहीं बात हुई थी, हमारे बहू से बात हुआ था इसकी, जो ठीक थी। विष्णु कह रहा रात में 10 बजे आपसे बात किया था? नहीं, हमसे नहीं, हमारे बहू से बात हुआ था। ये लड़की आपकी कब गई थी वहाँ? लड़की हमारी 20 तारीख को गया है, यहाँ से रात को शाम को 6 बजे 6:30 बजे लेकर के गया है। जो वीडियो बना मालती डाली है तो आपके मायके का वहाँ का कि यहाँ का था? वो यहाँ का था, जगदीश। फिर क्यों वो कह रही थी? यही कहवा रहा था, मजबूत कारण इसमें यह है कि जो राधिका नाम की कोई लड़की है उसके साथ इसका लव चल रहा है, उसी के कारण इसे मारा गया है। और ये उसको देख भी नहीं थी और इसका विद्रोह भी की, लेकिन विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं, विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं और ये पूरे परिवार वाले ये साजिश करके उसे उसकी जान से मारे हैं। और ये दहेज का भी काफी मुद्दा उठा रखा है। राकेश भाई सुनिए ना, गार्जियन आना चाहिए थे ना, मम्मी को जाए तुम इतने सारे लोग थे वहाँ पे। I'm not a man.